हेलो फ्रेंड्स, आज इस चैनल के माध्यम से मैं एक ऐसे शख्स को आपके सामने लेके आने वाला हूं जिसको मिलने के लिए आप बहुत समय से बेताब थे। आप सब चाहते थे कि आप कभी उनसे बातचीत करें, उनसे कुछ नया सीखें। तो हमको बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं, इतने रिक्वेस्ट, इतने मेल्स लोगों के आए हैं कि इस जो शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर में, कि वो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें और आपको स्टॉक मार्केट की सटीक जानकारी दें। तो मैं आपको ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए उनका नाम बताता हूँ। आप जैसे मैं नाम बताऊंगा आपके चेहरे पे एक अलग सी खुशी आएगी। उनका नाम है सैगी 2K5। यस दोस्तों, सैगी 2K5। अगर मनी कंट्रोल में अगर आप ट्रेड करते हो, शेयर मार्केट में हो, आप मनी कंट्रोल पे अगर आपका अकाउंट है और आप वहाँ पे नॉर्मली लोगों को फॉलो करते हो, तो वहाँ पे आपको सैगी 2K5 एक बहुत ही फेमिलियर नेम है। बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। ये पिछले डेढ़ या दो साल से ये वहाँ पे ट्रेड कर रही हैं और ट्रेड करने के साथ साथ ये वहाँ पे अपने मैसेजेस पोस्ट करती हैं, जो नॉर्मली बहुत सटीक होता है, बहुत ही सही होता है। और इनके आज बहुत सारे फॉलोअर्स हैं मनी कंट्रोल पे। तो आप लोगों के कहने से हम आज एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जो सैगी 2K5 नेम को आपके सामने लाके खड़ा करेगा। मैडम से हम लोग कुछ खास बातचीत करेंगे और इनसे कुछ नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आइए मैं आपको सीधा मैडम के पास लेके चलता हूँ और मिलते हैं सैगी 2K5 मैडम से और उनसे ही कुछ पूछते हैं। आइए चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप सब? मैं हूँ सैगी 2K5। थोड़ी एक्साइटेड हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि पहले मैंने ये सब काम कभी किए नहीं है। बट आप लोगों ने इतना रिक्वेस्ट किया, आप लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से, और मैं, आप सबको पता है कि जो भी मेरे साथ जुड़े हैं लोग, वो लोग को मैं कभी निराश नहीं करती किसी भी कंडीशन में। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो कोई नहीं, आपकी खुशी के लिए मैंने अपना एक नया चैनल स्टार्ट किया है। तो उस चैनल को हम कंटिन्यू करेंगे और होप करेंगे, मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को वो चैनल पसंद आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये, जो सर ने मेरी जो इतनी तारीफ की है, वो एक्चुअली मैं हजम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये किसी भी हस्बैंड के मुंह से वाइफ के लिए तारीफ सुनना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये सब आप लोग को, ये सब आपको पता ही होगा, बट मैं थोड़ी सी और ये जोश में आ गई कि यार सर ने मेरी इतनी तारीफ की है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं शायद उस तारीफ के लायक हूँ। थैंक यू सर। मैं पिछले छः सात साल से ऑलमोस्ट मैं ये शेयर मार्केट में काम करती हूँ। बट स्टार्टिंग मैंने बहुत लॉस किए थे, एटलीस्ट 2-3 लाख रुपए मेरे लॉस गए थे, जिसकी वजह से मेरे डैडी बहुत चिल्लाए थे मेरे को और उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि ये भाई, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो मैं बहुत सोची कि क्या करूँ। फिर मेरे मम्मी ने मुझे बोला कि एक काम कर बेटा, तू ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर, उसके बाद तू 9 to 5 का जॉब कर, वो लाइफ सेट रहेगी, कम से कम एक फ़िक्स इनकम तो घर पर आएगा तुम्हारे इन फ्यूचर के लिए। तो मैंने भी सोचा चलो सही बोल रही है मम्मी, मैं भी क्यों इतने मेहनत करके इतना डैडी का लॉस कर रही हूँ, क्योंकि वो सारे पैसे मेरे डैडी के ही थे। उस समय पर मैं कुछ करती नहीं थी और मैंने शेयर मार्केट से ज़ीरो इनकम, ज़ीरो प्रॉफिट किया था उस समय पर। फिर मेरी एक आंटी ने मुझे रेफरेंस दिया, उन्होंने मुझे बोला कि इतनी निराश मत हो, तो मैं एक सर का नंबर देती हूँ, उनसे मिल, वो बहुत सारे मैंने सुना है उनके बारे में। मैं पर्सनली गई, उनसे मिली और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया। ट्रेनिंग देने के बाद मैंने मे बी वो एक कह सकती हूँ कि वो एक इतिहास हो चुका है कि जब मैं उनसे ट्रेनिंग लेने के बाद मैं अगर शेयर मार्केट में 1 रुपये का भी अगर मैंने लॉस किया हो तो बहुत, हम दोनों का जो बॉन्डिंग था, मेरा और मेरे सर का, वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ हो गया। और आज मैं जहाँ बैठी हूँ वो मैं इनके साथ ही बैठी हूँ, क्योंकि ये जो है ये मिस्टर संग्राम सिंह, इन्होंने मुझे उस समय पे शादी के लिए प्रपोज़ किया कि क्या आप मुझसे शादी कर सकते हो, और इतने टैलेंटेड इंसान को मैं मना नहीं कर पाई, तो इसके लिए मैंने हाँ बोला। और आज मैं जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ सर की बदौलत हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ एक्चुअली इनके साथ कि ये मेरे हस्बैंड है, और मैं उस लाइफ को भी याद करती हूँ जब हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया था। अभी तो ये थोड़ी झूठी तारीफ भी करते हैं, बट अच्छा लगता है कभी कभी सुन। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब ये मेरी तारीफ करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और
अच्छा लगा आपने मेरी तारीफ की, नहीं मैंने वरना जेनुअन तारीफ की है वैसे आपकी, बहुत अच्छी हाँ मैंने बात है। जेनुअन तारीफ की है, आपने थोड़ी बहुत मेरे बारे में ज्यादा बोली है ऑफ फिर ऑफ भी तो, कैमरा भी अगर आप ऐसी ही तारीफ करें तो और मजा। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग सर से ही ली है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके सवाल का जवाब हम सर से ही जानना चाहेंगे कि सर हमेशा तेजी के टाइम पे बुल और मंदी के टाइम पे बियर ही क्यों दिखता है, कोई और जानवर का साइड मतलब कोई और जानवर को हम क्यों नहीं दिखा सकते हैं उस चीज़ पे, तो इसका जवाब आप हमें दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, ये जो सवाल सागी मैडम ने मुझसे पूछा है। एक आम इन्वेस्टर जो होता है, एक नया ट्रेडर जो होता है, उसके दिमाग में हमेशा यही सवाल रहता है, क्योंकि वो नया नया आया होता है मार्केट में, उसने बहुत ही बेसिक बेसिक सवाल है ये, जो एक मतलब मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में अगर आप 100 में से किसी भी आदमी को उठा ले, 100 में से 100 में से आपको 90% लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको मतलब किसी ने आज तक बताया ही नहीं है इस चीज के बारे में, जो बहुत ही बेसिक है, बेसिक इन नेचर है, हर आम इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है जो नया नया एक आता है मार्केट के अंदर, और वो यही सोचता है कि जब भी वो देखता है तो मतलब वो NSE और जो आपका BSE है उसके बाहर एक बियर का फोटो लगा होता है, एक बुल का फोटो लगा होता है, और वो ये सोचता है कि यार अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, हम लोग बहुत ऊपर की तरफ तेजी से जा रहे हैं, तो यार अगर ऊपर जा रहा है तो मुझे बुल को ही दिखाने की क्या जरूरत है, मैं वहां पे लायन भी दिखा सकता था, मैं वहां पे टाइगर को भी शो कर सकता था जो कि बहुत पावरफुल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है तो मुझे बियर को ही दिखाने की क्या जरूरत थी, मैं वहां पे किसी और जानवर को ले सकता था, क्रोकोडाइल को ले सकता था जो पानी के अंदर चला जाता है, बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, चीता ले लेते या कोई और जानवर ले लेते, लेकिन सिर्फ ऐसा ही क्यों है कि हमने ये बियर को चूज किया है गिरावट के टाइम पे और बुल को चूज किया है जब आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाता है उसको दिखाने के लिए, तो मैं बताता हूँ उसका कारण क्या है। इसका कारण कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। आप देखिए, अगर कभी आप बुल को देखें, बुल अगर आप पता हो हिंदी में हम लोग सांड भी बोलते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो ये जब अपने दुश्मन पे अटैक करता है तो कैसे अटैक करता है, इसके दो सींग होते हैं, अगर आपने देखा हो ध्यान से, दो सींग होते हैं, ये नीचे से उठा के ऊपर की तरफ देखता है अपने इस पे अटैक करता है, मतलब ये कि अगर मार्केट नीचे की तरफ है वहां पे ये आके स्टॉक का जो प्राइस नीचे की तरफ है उसको वहां से उठा के ऊपर ले जाता है, इसलिए वहां पे हम लोग बुल को दिखाते हैं, क्योंकि उससे बेहतरीन कोई जानवर नहीं है उतनी ताकत का जो अपने सींग से उसको उठा के ऊपर ले जाए। दूसरा, जो हम मंदी की बात करते हैं, मंदी के टाइम पे क्या होता है कि स्टॉक का दाम सबसे ऊपर की तरफ होता है और ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। अगर आप कभी भालू को देखें, यानी कि बियर को अगर आप देखते हो, बियर की खासियत होती है जब भी वो अपने दुश्मन पे आक्रमण करता है तो वो खड़ा होता है, खड़ा होके अपने दुश्मन को अपने पंजे से ऊपर से लेके नीचे तक गिराता है और उस पे हमला करता है, तो मतलब स्टॉक के प्राइस को ऊपर से आप लेके नीचे तक लेके आते हो। सिर्फ यही कारण है कि हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर तेजी और मंदी को बुल और बियर के साथ शो करते हैं, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि बुल और बियर कोई क्यों दिखाते हैं, ऐसे ही और बहुत रोचक जानकारियां लेके हम आपके पास आते रहेंगे, और आपको ये भी बताएंगे कि स्टॉक मार्केट से आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको जो आपने आज देखा वो अच्छा लगा हो, फायदेमंद लगा हो, तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नए नए अपडेट टाइम पे। मैं आपको बता दूं कि आज के दिन ये चैनल लॉन्च करने का मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मेन मकसद ये है कि आज मेरे हबी का बर्थडे है, सो वेरी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, तो ये दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसके लिए मैंने सोचा कि आज के दिन मैं अपने हस्बैंड को एक कुछ अच्छा, कुछ नया और सरप्राइजिंग दूँ, तो इसके लिए मैंने आज ये चैनल लॉन्च किया है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सब अच्छा लगे।